आइए अब समझते हैं बोर्ड में, यस आईसीएसई बोर्ड में फिजिक्स का पेपर किस पैटर्न पे आएगा और आपको क्या, यस कैसे आपको इस पेपर को सॉल्व करना है ताकि आप मैक्सिमम यस स्कोर कर सकें। हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, आइए इसी पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स 80 मार्क्स का पेपर होगा क्योंकि 20 मार्क्स का आपका यस स्कूल में जो प्रैक्टिकल होगा उस पर चला जाएगा। आपको 2 आवर्स का पेपर है। सेक्शन वन, यस जो फर्स्ट सेक्शन है वो कंपलसरी सेक्शन है, वो 40 मार्क्स का है और इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे, यस और चारों ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यस पूरे फिजिक्स के चैप्टर्स का ये मिक्स होगा, यस चैप्टर्स का ये मिक्स क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन इसके अंदर अब 5 पार्ट का होगा और ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस एंड ईच ऑफ 2 मार्क्स रहेंगे इसमें। तो अब आपकी यस आपकी स्ट्रेटेजी इसके लिए क्या रहेगी? तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है तो आप पहले 15 मिनट को, यस फर्स्ट 15 मिनट्स को इस पे डिवोट मत करिए। सेक्शन वन की रीडिंग में डिवोट मत करिए, ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है, ये तो आपको करना ही है। मतलब कि आपके पास अब चॉइस नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन पेपर मिलने के फर्स्ट 15 मिनट जो रीडिंग टाइम होता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्शन टू को देखना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन टू में, यस सेक्शन टू में आपको स्मार्ट चॉइस करनी होगी, यस जिस पे आप बेटर स्कोर कर सकते हैं, जिस क्वेश्चंस पे, या फुल स्कोर कर सकते हैं जिस क्वेश्चंस पे, आपको वही क्वेश्चंस करने चाहिए। तो फर्स्ट 15 मिनट्स आप अपना उसी में यूज करिए, सेक्शन बी में यूज करिए। तो सेक्शन जो टू या बी पोर्शन है, अगेन वो भी कितने मार्क्स का है? वो 40 मार्क्स का है और इसमें 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस कितने आएंगे? 6 क्वेश्चंस आएंगे, 6 में से 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं और हर क्वेश्चन में 3 पार्ट होगा और ये 3 पार्ट जो होंगे वो, यस वो इस तरीके से होंगे कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, फिर 3 मार्क्स का और फिर 4 मार्क्स का, मतलब 3, 3 और 4। इसका मतलब है आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो यूजुअली कुछ पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कुछ पॉइंट पूछा जा सकता है, रीजन पूछा जा सकता है और या तो न्यूमेरिकल्स आने की ज्यादा चांसेस हैं इसमें। तो 4 क्वेश्चंस जो सेक्शन वन में है, हर क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? 12 मिनट में करना है। यस आपको एक क्वेश्चन में 12 मिनट का टाइम देना है। सो 12 × 4 गिव्स यू 48 मिनट। आपको यस सेक्शन वन में 48 मिनट्स का टाइम देना है। बचा कौन? यस बचे ये 4 क्वेश्चंस जो सेक्शन बी में है। आप इसको 15 मिनट्स मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं ईच क्वेश्चन में, यस क्योंकि हर क्वेश्चन में 3 पार्ट होगा तो आपको ध्यान देना है कि 3 + 3 + 4, यस 10 मार्क्स से क्वेश्चन है, मैक्सिमम आप 15 मार्क्स दे सकते, 15 मिनट दे सकते हैं और इसका आपको मिल जाएगा, यस इसका आप यूज करेंगे 60 मिनट। सो इन टोटल आप 1 आवर 48 मिनट, यस 1 आवर 48 मिनट यूज कर लेंगे। आपके पास अभी भी, यस अभी भी आपके पास 12 मिनट्स बचेंगे, यस रिवीजन के लिए, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर रिवीजन। याद रखिएगा जब आपको क्वेश्चंस कुछ नहीं आ रहे हैं आप उस पे स्टक मत कर जाइए या उस पे करने के लिए बहुत ज्यादा समय मत इन्वॉल्व करिए। पहले क्या करिए, पहले स्पीड से क्या करिए, उन क्वेश्चंस को करना शुरू कर दीजिए जो आपको सीक्वेंस से आते जा रहे हैं। डोंट वेस्ट एंड डोंट इन्वॉल्व टू मच टाइम इन डूइंग दैट क्वेश्चन, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इन बुक आपको देखेंगे कि 12 चैप्टर्स हैं, बट यस एक चैप्टर 12 में से एक चैप्टर आपको रिमूव कर दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यस ये चैप्टर आपका कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है फर्दर ड्यू सिलेबस में। अब चैप्टर 1 एंड 2, यस चैप्टर 1 एंड 2 फोर्स और वर्क पावर एनर्जी, ये कॉमन चैप्टर्स हैं, आपने अर्लियर क्लासेस में भी इसके बारे में, यस 6, 7, 8 में भी जरूर इसके बारे में रीड किया हुआ है। तो इनमें कोई चेंज नहीं है एज पर द फर्दर ड्यू सिलेबस, ये चैप्टर इन फुल एज इट इज आएंगे। फोर्स से और वर्क एनर्जी से कम एक न्यूमेरिकल श्योर दोनों चैप्टर से आना है जो कि मिनिमम 3 मार्क्स का होगा। यस तो
क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? यस, इसके सिंपल कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे। यस, सिंपल कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल आप इसके सॉल्व करेंगे। और हाँ, कोई भी डेरिवेशन यस नहीं आने वाला है, इसीलिए आप डेरिवेशंस के लिए मत तैयारी करिएगा। इन डेप्थ या बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल के लिए भी आप एकदम तैयारी मत करिएगा। गॉट इट? प्रिपेयर द बेसिक्स ऑफ द थिंग। नेक्स्ट आता है मशीन चैप्टर। यस, मशीन में इस बार यस रिड्यूस सिलेबस में लिवर पार्ट को, यस लीवर पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। सो आप भी क्या करेंगे, कंप्लीटली इसको इग्नोर कर देंगे, ना इस पे न्यूमेरिकल ध्यान दीजिएगा यस, और ना ही इसका थ्योरी ध्यान दीजिएगा। तो करना क्या है, यस इस मशीन्स वाले चैप्टर में से हर बार जो क्वेश्चन बन रहा है, और स्पेशली न्यूमेरिकल बन रहा है, वो पुली वाले रिलेटेड क्वेश्चन से बन रहा है, जिसमें पुलिस का यस नंबर ऑफ पुलिस का है ना क्वेश्चन बन रहा है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का क्वेश्चन बन रहा है, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी वाले फॉर्मुलेस का न्यूमेरिकल बन रहा है। तो आप मान के चलिए कि अराउंड 10 मार्क्स का यस इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। याद रखिएगा, आईसीएसई बोर्ड ने कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया है जिससे ये फिक्स हो सके कि एग्जैक्ट कितनी मार्क्स का किस चैप्टर से क्वेश्चन आना है। ठीक है, ये जो जजमेंट है मेरा पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखने के बाद है। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस। यस, इस चैप्टर में भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं किए गए हैं, बस मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला यस लास्ट का एक बहुत छोटा सा टॉपिक है वो रिमूव कर दिया गया है, बल्कि इसमें बाकी चेंजेस इसमें नहीं है। इसका मतलब है इसमें जो क्रिटिकल एंगल वाला पार्ट है, टोटल इंटरनल वाला पार्ट है, वो आने की ज्यादा चांसेस है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इस पे भी आएंगे। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। इसमें से यस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस में से पावर और एप्लीकेशन ऑफ पावर्स के पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। ओनली डेफिनेशन ऑफ पावर आपको करनी है। यस, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं करना है, पर हाँ लेंस फॉर्मूला पर और मैग्निफिकेशन पर आपको न्यूमेरिकल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके आने की पूरी चांसेस है। इसमें 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आने का पूरा चांसेस है। नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रम। यस, स्पेक्ट्रम में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, यस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट का जो एक्सपेरिमेंट्स है वो पार्ट क्या कर दिया गया है, यस रिमूव कर दिया गया है। तो आप इस पार्ट को यस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन को आप यस छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इस पार्ट को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे क्योंकि इस सिलेबस से रिमूव हो गया है। नेक्स्ट आता है साउंड। यस, साउंड चैप्टर में से जो लाउडनेस है, एम्पलीट्यूड है और पिच ऑफ द साउंड है, इस पे सिर्फ दो दो क्या करने हैं, दो दो एग्जाम्पल्स करने हैं यस, और एक्स्ट्रा मार्क्स और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करना है। लाउड साउंड साउंड चैप्टर जो है वो एक बहुत इजी चैप्टर है। यस, अगर आप इसको प्रिपेयर करें तो आप इजीली इसमें से 3 से 5 नंबर यस इस चैप्टर से कर सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट नहीं आने की चांसेस है। अगर बन सकता है तो एक न्यूमेरिकल, छोटा न्यूमेरिकल यस इको पे बन सकता है, वरना और न्यूमेरिकल इस चैप्टर पे नहीं बनते हैं। नेक्स्ट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। यस, पूरे 10 मार्क्स के यस आने की पूरी चांसेस है, एंड स्पेशली द न्यूमेरिकल पार्ट। यस, करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी और इसका थ्योरी पार्ट भी आ रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाँ, इसमें ओम्स लॉ वेरिफिकेशन वाले पार्ट को आप छोड़ सकते हैं। ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल करना है, बट ओम्स लॉ वेरिफिकेशन इसके पार्ट को आप छोड़ सकते हैं, है ना? ये पार्ट क्या हो गया है, यस इस बार रिमूव कर दिया गया आपके लिए। नेक्स्ट आता है हाउस होल्ड सर्किट। यस, हाउस होल्ड सर्किट में रिंग सिस्टम, ट्री सिस्टम, है ना, ये जो पहला वाला पार्ट था इस सबको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। बाकी बेसिक्स ऑफ हाउस होल्ड सर्किट आप तैयार कर सकते हैं। इस पे यस छोटा थ्योरी क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस है ना। 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स के, यस 3 to 5 मार्क्स के टोटल थ्योरी क्वेश्चन आने की इसमें से चांसेस हैं। बट यस, नेक्स्ट चैप्टर जो कैलोरीमेट्री है, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से यस 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस है।
यस, इसमें से भी न्यूमेरिकल लगभग पिछले कई सालों से लगातार रिपीट हो रहा है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे जो क्वेश्चन है, हीट लॉस बाय बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय बॉडी वाला न्यूमेरिकल जरूर आने का है। और क्या आने का चांसेस है? यस, इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी पे भी न्यूमेरिकल बनता है, तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करें, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। छोड़ना क्या है आपको? यस, लेटेंट हीट पे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ऑन लेटेंट हीट। यस, लेटेंट हीट पर न्यूमेरिकल आप छोड़ सकते हैं। हाँ, इसकी थ्योरी जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वो पढ़नी है, इसका एप्लीकेशन या इसके यूजेस जो है बस पढ़ने हैं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको यस नहीं करना है, लेटेंट हीट पे बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेडियो एक्टिविटी। अगेन लास्ट का ये भी चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में से भी बड़े क्वेश्चंस, एटलीस्ट 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आने की पूरी चांसेस है, 3+4 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे आने के चांसेस हैं। पिछले कई सालों से इस चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको छोड़ना क्या है इस बार फर्दर ड्यू सिलेबस से? आपको इसमें फिजन और फ्यूजन वाला पार्ट, फिजन एंड फ्यूजन वाला पार्ट आप छोड़ देंगे, क्योंकि फिजन एंड फ्यूजन को क्या कर दिया गया है, फर्दर ड्यू सिलेबस से हटा दिया गया है, वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर हटा दिया गया है। सो हेयर वी आर, आई होप आपने यस अपनी स्ट्रेटेजी बना ली होगी, और अगर नहीं बनाई है यस तो मेरा लास्ट वीडियो देखिए, जिसमें मैंने बताया है वाई आई हेट फिजिक्स, या आई हेट फिजिक्स याद रखिएगा, मैंने एक इससे पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देखें और यस उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। उसमें मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस किए हैं कि कैसे आप फिजिक्स को यस कैसे आप अपने फिजिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। हाँ, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को यस फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को आप समझना चाहते हैं तो आप क्या करिए, सेल्फ रीड करिए पहले, यस रीड इट फर्स्ट योरसेल्फ, ताकि आपका खुद का कंसेप्ट कुछ डेवलप हो, एंड देन यस चैप्टर का नाम टाइप करिए और लिखिए बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, ट्राई करके देखिए। लाइक आपको मशीन समझना है, बस आप क्या करिए, मशीन्स बाय सर तरुण रूपानी यस टाइप करिए और चेक करिए, मेरा वीडियोस आपको श्योर मिल जाएंगे। इन केस आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे यस में सर्च करें, अगर वहां भी नहीं मिलता है तो हाँ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे फेसबुक यस मेरे फेसबुक ग्रुप में जो स्पेशली डेडिकेटेड है क्लास 10th ICSE बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, यस क्लास 10th ICSE स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें सारे नोट्स सारे वीडियोस उपलब्ध है मेरे, आप उसको भी जाएं यस और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें और जरूर इसमें क्या करें, यस मेंबर बने, ज्वाइन करें इसको ग्रुप को, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। यस, क्या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? सो नाउ इट इज गोल्डन टाइम, एंड नाउ इट इज द टाइम दैट वी कैन किक स्टार्ट विद द फिजिक्स। अगर अभी तक फिजिक्स नहीं तैयारी करना शुरू किया है तो यस आज और अभी से, यस अभी से आप क्या करेंगे, फिजिक्स की तैयारी करना शुरू कर देंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।